जिस पेनिस की साइज फ्लैसिड यानी इरेक्ट ना हो तब 4 सेंटीमीटर या उससे कम हो, या फिर उत्तेजित स्टेट में इरेक्ट स्टेट में 7.5 सेंटीमीटर या उससे कम हो, उसे स्मॉल पेनिस या माइक्रो पेनिस बोलते हैं। एक मजेदार फैक्ट की बात तो ये है कि एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस में छोटे पेनिस के पेशेंट कम देखने को मिलते हैं, पर ऐसे पेशेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं जो अपने पेनिस को छोटा परसीव यानी कि छोटा देखते हैं, पर एक्चुअल में उनके पेनिस की साइज नॉर्मल होती है और उसी से जन्म लेता है स्मॉल पेनिस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में पेशेंट की एक स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ होती है कि उनके पेनिस की साइज छोटी ही है, उससे उनमें जब सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने जाए तब सेक्सुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है, वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए एंजाइटी फील करने लगते हैं और वो खुद के पेनिस की साइज को और लोगों के पेनिस की साइज से कंपेयर करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें डिप्रेशन एंड एंजाइटी के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं और जिसके कारण उनमें इरेक्शन के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और ये बिलीफ सिस्टम क्योर ना हो तो उनका सेक्सुअल डिजायर भी कम होने लगता है।